नूरपुर के थाना डमटाल के अंतर्गत कांगड़ा के डीआईजी संतोष पटियाल के निर्देश अनुसार नशे को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एएसपी आकृति शर्मा के नेतृत्व में छापामारी के दौरान नशे की बड़ी खेप व नकदी सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस संबंधित जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज सुबह करीब 4 बजे धर्मशाला से एएसपी आकृति शर्मा, डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा व नारकोटिक सेल कांगड़ा की टीम द्वारा छन्नी बेली में जब गांववासी सो रहे थे तो पूरे गांव की नाकाबंदी करके छापामारी की, जिस दौरान काजल पत्नी गोविंद से 34.4 ग्राम हीरोइन तथा सुनीता पत्नी आकाश नंदन से 45,000 नकदी मिली है। वहीं सुनीता पत्नी सुखदेव से 35,000 मिलीलीटर शराब, सुरेंद्र सुपुत्र रतनचंद से 35,000 मिलीलीटर अवैध शराब और महंगा राम से करीब 4 लाख की नकदी बरामद हुई है। वहीं लाखों लीटर कच्ची शराब को भी नष्ट किया गया व चलती भट्टियों को भी नष्ट किया गया। इस छापामारी से नशे के गढ़ छन्नी बेली में हड़कंप मच गया है। जगपाल जी, आप जो ये आपने सुबह रेड मारी है, ये छापा मारी के क्या क्या पकड़ा और ये कैसे कैसे पकड़ा आपने? आज प्रातः एएसपी श्रीमती कृति शर्मा व डीएसपी साहिल अरोड़ा महोदय की अध्यक्षता में डीआईजी संतोष पटियाल महोदय के आदेशानुसार छन्नी वैली में जो है पुलिस टीम के साथ जो छापामारी करी गई, उस दौरान हमने काजल वाइफ ऑफ गोविंदा से 34.0 ग्राम 4 ग्राम जो है हीरोइन चिट्टा बरामद किया। सुनीता वाइफ ऑफ आशा नंद से 45,000 मिलीलीटर शराब नाजायज बरामद करी। सुनीता वाइफ ऑफ सुखदेव से 35,000 मिलीलीटर शराब नाजायज बरामद करी व सुरेंद्र सन ऑफ रतनचंद से 35,000 मिलीलीटर नाजायज शराब जो बरामद करी। इसके अलावा मंगतराम जो छन्नी का रहने वाला है उससे 4,01,000 रुपए जो है कैश उसके घर से जो है बरामद किया, जिस बारे में कोई भी अपना जो है पुख्ता साक्ष्य पेश पूछ न कर सका। अभी थाना बनने के बाद जो है यह पहला जो है पुलिस के जो है छापामारी है। अब यह छापामारी अवैध धंधे के प्रति लगातार जारी रहेगी। सर, काफी सालों से ये काम हो रहा है, फिर भी ये छापामारी के दौरान ये काम बंद नहीं हो रहा, तो लोकल पुलिस ये धर्मशाला से पुलिस आके ये कार्रवाई कर रही है, तो आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया अभी तक? हम भी लगातार जो है समय समय पर यहाँ जो छापामारी करते हैं और हमने काफी जो है इसमें मुकदमे पंजीकृत किए हैं और काफी अपराधियों को जो है पकड़ा है। अभी काफी अपराधी जो सलाखों के पीछे है। धन्यवाद सर। एच टुडे के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।